दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। माँ बहन अब नाच रही हैं। अल्लाह की पट पट इस्लामी बहनों, अभी वक्त है, आप भी पर्दा कर लो इस्लामी बहनों। ये बेपर्दगी, ये बेशर्मी, ये बेहयाई, ये अजनबी मर्दों के साथ घुलना मिलना, आना जाना, नाजायज फैशन करना, अपनी जिस्म की नुमाइशें करना, ये हरगिज हरगिज दुरुस्त नहीं है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। क्यों दावतों में, शादियों में और पार्टियों में जाकर नौजवान मर्दों में और अजनबी मर्दों में और अजनबी लोगों में जाकर घुल मिल जाती हो? भाई कैसे हैं आप, भाईजान कैसे हैं? ये भाई नहीं है, ये अजनबी मर्द है। क्यों नहीं समझती हो आप? इसकी गंदी नजरों को देखती नहीं हो? अब वो वक्त आ गया बदकिस्मती के साथ कि ये हमारे घर की लड़कियां, औरतें, भाभियां, बहनें, फिर इनकी सहेलियां, इनकी दोस्त, ये सब आती है, नाचती हैं, बाकायदा दावत होती है और शरीफ कहलाने वाले लोग, माजरत, वेरी सॉरी टू से, हाथ जुड़े हुए मेरे, बुरा लाइन बुरा लगे तो आधी रोटी कम खा लेना, मगर मैं सोसाइटी को इस गंदगी से साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। हमेरी बेटियां तो नहीं है भाई, कब तक बच जाएंगी? अगर महल्ले में आग लग गई है, नहीं बुझाओगे तो आग तुम्हारे घर में आएगी नहीं आएगी? तो ये लड़कियां नाच रही हैं और ये लड़कियां, लड़कियां नाच, अरे भाई जो तुम दो घंटा बैठकर जो कुर्सी पर तमाशे देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो बाप कुरोनी मार मार कर कह रहा था, देखो मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है। मैं तो इनको बोला है यार अल्लाह की पनाह, कभी देखो कब लड़कियां दुल्हन नाचना शुरू करे, बताए दुल्हन नाचना शुरू हो गई है, दुल्हन नाच रही है, दूल्हा नाच रहा, सारे नाच, सारे नचेड़े हो गए, मगर सारे इज्जतदार हो गया, बोलना कुछ भी नहीं, ऑल आर रिस्पेक्टेबल्स, ये नाच रहे हैं, अल्लाह की खुल के नाफरमानी कर रहे हैं। और ये जो बैठे हुए ना कुर्सियां लगाकर चारों तरफ, फिर बाहर निकल के बोलते रहे क्या यार, क्या क्या माहौल खराब हो गया, क्या लड़कियां नाच रही हैं, कोई शर्म नहीं आती। आप दो घंटे बैठकर बड़ी मतलब हराया और शर्म का मुजाहरा कर रहे थे भाई, आपको किसने कहा था वहां बैठकर देखो ये सारा नाच गाना? नहीं, क्या करे, क्या क्या करे, घर में इससे ज्यादा गंदा मंजर टीवी पर देख रहे होते हम लोग मां बहनों के साथ। वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती आज वो हमशीरों के साथ। और ये हमारे घर के बड़े रोक नहीं रहे, गजल नाइट, वो चार चार तो ये नाइटें मना रहे हैं, वो बच्चियां नचवाने के लिए 2 महीने का कोर्स अलग चल रहा है। यानी कहते शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और ये सरपरस्ती कौन कर रहा है? बड़े कर रहे हैं। पैसे कौन दे रहा है? ये सब फ्री में होता है?